नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं खबर क्रिकेट की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज की जो मेरी खबर है वो है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जी हां दोस्तों, कि जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यानी कि 15 अगस्त 2020 को 17:29 यानी कि 7:29 पर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हां दोस्तों, बहुत ही दुख की खबर थी हम सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए। पर क्या करें, आखिरकार उन्हें तो था, उन्होंने संन्यास ले रहा है यानी कि इसका मतलब हमें अब वो फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, ना ही नीली जर्सी में और ना ही सफ़ेद जर्सी में। सफ़ेद जर्सी में से तो खैर उन्होंने सन 2014 में 26 दिसंबर को ही संन्यास ले लिया था। पर दोस्तों जो मेरी खबर है वो है महेंद्र सिंह धोनी ये कुछ अननोन फैक्ट्स को लेकर। अगर आपको ये जानना है कि 17:29 पर महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास क्यों लिया, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ। तो जो मेरी मेन खबर है वो है महेंद्र सिंह धोनी के कुछ अननोन फैक्ट्स को लेकर। जहाँ दोस्तों आप सभी लोगों में क्यूरियोसिटी होगी महेंद्र सिंह धोनी के कौन से अननोन फैक्ट्स रहे होंगे जो अभी तक सब लोगों से छुपे हुए हैं, तो मैं आपको सब बताऊँगा बिना किसी देरी के। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि मैं आपको बता दूँ, महेंद्र सिंह धोनी एक इकलौते ऐसे कप्तान है जिनके नाम 2 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। जी हाँ दोस्तों, उसमें सन 2007 का T20 वर्ल्ड कप था, 2011 का विश्व कप यानी कि 50-50 वर्ल्ड कप का जो था वो भी भारत ने ही जीता था। और इसके अलावा तीसरा जो सबसे अहम था वो था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी और ये करने वाले वो एक पहले कप्तान बने। दूसरी खबर दोस्तों वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने 5 सीरीज़ लगातार जीती। जी हाँ दोस्तों, 5 सीरीज़ लगातार जीती महेंद्र सिंह धोनी ने और वो पहले ऐसे कप्तान बने। तीसरी खबर ये है कि महेंद्र सिंह धोनी विश्व में तीसरे ऐसे महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 वनडे में एज अ कैप्टन जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों के नाम रिकॉर्ड था, वो था एलन बॉर्डर और रिकी पॉन्टिंग, और अब उस खिलाड़ी की सूची में महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम शामिल हो चुका है जिन्होंने 100 वनडे में जीत हासिल करी है एज अ कैप्टन। दोस्तों जो चौथी खबर है वो है न्यूजीलैंड में। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी 33 साल के बाद उन्होंने वो रिकॉर्ड हासिल किया था कि न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज़ जिताई थी, न्यूजीलैंड की सरजमीन में जाके वहाँ भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज़ जिताई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी। दोस्तों जो हमारी पांचवा पॉइंट है कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 2 बार ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड है। जी हाँ दोस्तों, 2 बार महेंद्र सिंह धोनी के नाम ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड है। अब बढ़ते हैं हम उनके छठे पॉइंट, जो उनका छठवा पॉइंट है दोस्तों, पता कि सचिन तेंदुलकर ने ही महेंद्र सिंह धोनी को एज अ कैप्टन रेफर किया था भारतीय टीम में। और उसके बाद क्या हुआ आप सभी लोग वो जानते हैं, और यहाँ तक कि गांगुली ने भी उनकी सराहना करी थी जब वो शुरुआती दौर में आया, तब गांगुली ने भी उन्हें सराहना दिया था एज अ कप्तानी के लिए। उसके बाद तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय केवल एक दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन हासिल है। इससे पहले ये जो था ये कपिल देव के पास था। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि उन्हीं लोगों को मिलता है, ये उन्हीं को मिलता है जिन भारतीय टीम को वर्ल्ड कप विजेता दिलाते हैं, वो कप्तान जो होते हैं जो दिलाता है ये उन्हीं को मिलता है। दोस्तों जो हमारा सातवां पॉइंट है जॉन अब्राहम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2007 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के लंबे लंबे बाल थे, और उसके पीछे का जो रीज़न था वो था जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। दोस्तों जो आठवां पॉइंट है वो इनके हेलीकॉप्टर शॉट को लेकर। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट बहुत ज़्यादा फेमस है, पर आपको पता है उन्होंने वो किससे और कहाँ से सीखा था? दोस्तों जो महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट था वो उन्होंने अपने दोस्त संतोष लाल से सीखा था। जी हाँ दोस्तों, संतोष लाल जो कि झारखंड की टीम से खेल भी चुके हैं और उन्होंने वहीं से वो सीखा था। और उससे पहले उन्होंने जो है एक ये टेनिस के मैच हो रहे थे वहाँ उन्होंने सिर्फ शॉट को आजमाया था, और उसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया था। फिर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे उन्होंने छक्का मार के जिताया था भारतीय टीम को वर्ल्ड कप। जो आठवीं खबर है वो है उनके गानों को लेकर। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी पुराने गानों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं और वो शौक रखते भी हैं पुराने गाने। उनके जो फेवरेट सिंगर हैं वो है किशोर कुमार। किशोर कुमार को तो कौन नहीं जानता। दोस्तों जो नौवां पॉइंट है महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट फूड। महेंद्र सिंह धोनी का जो फेवरेट फूड है वो है उनका बटर चिकन। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को बटर चिकन बहुत ज़्यादा फेमस अच्छा लगता है, और इसी के साथ साथ हॉट चॉकलेट फज भी उनका बहुत ही ज़्यादा 2 फेवरेट फूड के आइटम में शामिल होते हैं।
अब बढ़ते हैं हम उनका 10वां। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के अलावा भी दो और खेल हैं जो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और 10वें पॉइंट पर हम यही बताएंगे। एक है फुटबॉल, जैसे हम सभी लोगों को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी फ्री टाइम में फुटबॉल खेलते पाए गए, और दूसरा जो है टेनिस, जब भी उन्हें मौका मिलता है तो फुटबॉल और टेनिस ज़रूर ज़रूर खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको फुटबॉल और टेनिस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम बताते हैं दोस्त तो उनके अगला 11वां फैक्ट जो है महेंद्र सिंह धोनी को, मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ से मिले थे, वो यानी कि साक्षी धोनी से, वो उनसे कलकत्ता के ईडन गार्डन में मिले थे सन 2007 में। जी हाँ दोस्तों, जब वो ईडन मैच खेलने जा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो उससे सन 2007 में उस वक्त वो अपनी वाइफ से मिले थे, फर्स्ट टाइम साक्षी धोनी से मिले थे सन 2007 में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा जो 12वां पॉइंट है उसमें यह है कि महेंद्र सिंह धोनी के पास दो कुत्ते भी हैं, एक का नाम सारा और एक का नाम सैम है। सारा जो लैब्राडोर है और सैम जो वह एलेस्टियन ब्रीड की है। दोस्तों अब है हमारा 12वां पॉइंट मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो काफ़ी रिलीजियस हैं और वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आपको बता दूँ कि उनका जो फेवरेट जिस मंदिर में वो जरूर जाते हैं जब भी झारखंड जाते हैं, वो है द्योरी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, द्योरी मंदिर जो है वो झारखंड में स्थित है, जो कि नेशनल हाईवे 33 के पास है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जो है सन 2008 में IPL के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, उनको 9.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, जो कि सबसे बड़ी रकम थी उस वक्त की। और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं 2008 से लेके ये सन 2020 है, 12 साल अभी तक जो है वो CSK के साथ रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने CSK को 3 बार IPL का टाइटल जिता है, इसमें से सन 2011, सन 2010 और 2018, ये 3 साल थे जो उन्होंने दिखाया था। इसके अलावा तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि महेंद्र सिंह धोनी को बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा शोरूम है, यहाँ तक कि उनका जो नया घर है उसमें भी आप उनके बाइक का शोरूम देख सकते हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी बाइक्स हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा दीवाने, जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो बाइक्स को लेके बाहर सड़कों पर निकल जाते हैं राइडिंग करने के लिए। और आखिर में जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले जो है टिकट कलेक्टर थे, और कैसे उनकी ज़िंदगी बदली वहाँ से उस टिकट कलेक्टर को छोड़ के, उसके बाद तो एक इतिहास अपने आप में बन गया। तो दोस्तों बस यही था आज के लिए महेंद्र सिंह धोनी को लेके, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि दोबारा महेंद्र सिंह जैसा खिलाड़ी भारतीय टीम को मिलेगा या नहीं? दोस्तों मैं कहूँ शायद मुझे तो मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक लेजेंड थे और जो कि शायद फिर कभी भारतीय टीम को नहीं मिल सकते। एक बात, और सचिन तेंदुलकर का रिप्लेसमेंट हमें विराट कोहली के रूप में मिल गया, बट शायद हमें फिर कभी महेंद्र सिंह धोनी, माँ ही या कैप्टन कूल कह लो, ये शायद हमें मिल पाएंगे।